कर रहे हैं कि इस बार भी इंदौर हर बार की तरह नंबर वन रहेगा, भारत का सबसे साफ शहर रहेगा। मैं सातवीं बार टैगलाइन के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के रिजल्ट का जो आधिकारिक तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और 1 तारीख को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। इंदौर ने पिछले सर्वेक्षण में जो पैरामीटर्स थे टूल किट के, चाहे वो कचरा कलेक्शन का हो, सेग्रीगेशन का हो, उसकी प्रोसेसिंग हम कितने अच्छे तरीके से करते हैं, सफाई की व्यवस्था क्या है, हमें अन्य मापदंडों पर अपनी जो दावेदारी है मजबूती से रखी थी। जो टीम ने विजिट किया उनकी विजिट्स बहुत अच्छी रहीं, जो सिटीजन्स के वोट थे या सिटीजन्स का फीडबैक था वो अच्छा रहा। तो इस आधार पर हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार भी इंदौर हर बार की तरह नंबर वन रहेगा, भारत का सबसे साफ शहर रहेगा। बिल्कुल, सातवीं बार के लिए 2023 का चूंकि टूल किट इशू हो चुका है और उसके सभी मापदंड आ चुके हैं, टीम के साथ हम लोगों के जो इनिशियल डिस्कशंस मीटिंग्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगले बार के सर्वेक्षण की तैयारी भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। इस बार का जो मुख्य फोकस IMC का रहेगा वो 2 विषयों पर रहेगा। पहला, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर, कि अपने यहाँ प्लास्टिक और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कतई उपयोग ना हो, ना ही किसी प्रकार का प्रोडक्शन, ना ट्रांसपोर्टेशन, ना यूज़, ना उसकी खरीदी बेची, तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे। और सेकंड जो पॉइंट है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहेगा, जो हम लोगों ने पिछले साल से ये शुरुआत की है उसको और तेज गति से ले जाते हुए विभिन्न स्टेक होल्डर्स की मीटिंग भी हम लोगों ने 2 तारीख के बाद प्लान की है, अगले सप्ताह में जो सेकेंड वीक रहेगा अक्टूबर का, तो उसमें एक बार फिर से इस अभियान को शुरू किया जाएगा कि किस तरीके से हम क्या काम करें जिससे कि हमारे यहाँ की वायु गुणवत्ता में सुधार हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।